अस्सलामु अलैकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे, सबको बुरे वक्त से महफूज रखे। आपकी भैर फिर से आ गई है एक और सिंपल सी रेमेडी लेके। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी एक बहुत कमाल की मैनीक्योर पेडीक्योर से रिलेटेड है। आप सब भी मैनीक्योर पेडीक्योर करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते होंगे टाइम की कमी की वजह से। कुछ लोग जाते होंगे पार्लर्स में करवाने के लिए, लेकिन अगर आप पार्लर में जाते हैं तो टाइम की कोई लिमिट नहीं। अगर वहाँ रश है तो बहुत टाइम लगता है, और अगर रश नहीं भी है तो भी 2 घंटे तो कहीं नहीं गए। बहुत सारी मेरी बहनें घर में भी मैनीक्योर पेडीक्योर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि भाई घंटा 1.5 घंटा तो कहीं नहीं जाता, और इतना टाइम आजकल के दौर में किसी के पास है नहीं। तो फ्रेंड्स, आपकी बहन आपकी इस मसले को बहुत ईजी तरीके से हल करने के लिए आ गई है। आपके साथ वो तरीका शेयर करूंगी जो मैं खुद अपनाती हूँ, और मेरे हाथ आपके सामने हैं, बिल्कुल साफ क्लीन और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भी अपने हाथों पैरों को इसी तरह क्लीन करना चाहते हैं तो आज की रेमेडी को फॉलो कर लीजिए। आपके हाथ पैर हमेशा क्लीन रहेंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, जब आप मैनीक्योर पेडीक्योर करते हैं तो सबसे अहम स्टेप होता है अपने अपने हाथों को पैरों को पानी में डिप करके रखना होता है तकरीबन 50 to 20 minutes के लिए, ताकि आपके हाथ पैरों की जो स्किन है वो नरम हो जाए, डेड स्किन आराम से निकल सके, और जो भी मैल कुचैल है वो भी निकल सके। तो आपने क्या करना है, आपने कोई अपने हाथों पैरों को 20-25 मिनट के लिए डुबो के नहीं रखना है। बहुत इजी तरीका आपसे शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके हाथ पैर बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे, और कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपसे अपना ऑथेंटिक और आजमूदा वो तरीका शेयर करूं जो मैं खुद यूज़ करती हूं, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल विजिट कीजिए, और एंजॉय कीजिए छोटी छोटी लेकिन बहुत ही पावरफुल सी रेमेडीज। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहन को सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि आपने क्या करना है। फ्रेंड्स, जब आप नहाने जाते हैं तो कितना टाइम लगता होगा? कम से कम भी 20-25 मिनट तो लगते ही लगते हैं। कुछ लोग हफ्ते में एक बार नहाते हैं क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, ऐसा ही है ना, पता है मुझे। लेकिन अगर कुछ लोग हफ्ते में 2 से 3 बार अभी भी नहाते हैं सर्दी के बावजूद भी, तो उनके हाथ पैर तो बहुत ज़्यादा चमकने वाले हैं। लेकिन जो हफ्ते में एक बार भी इसको फॉलो करेंगे उनके हाथ पैर भी बिल्कुल साफ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, जब आप नहाने के लिए जाएंगे आपके हाथ पैर ऑलरेडी अच्छे से भीग जाएंगे, क्योंकि हर बंदा गर्म पानी से ही नहाएगा, सर्दियां हैं ठंडे से तो कोई नहाएगा नहीं। तो आपका पहला स्टेप जो सबसे अहम स्टेप है वो तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, आपके नहाते नहाते ही। गर्म पानी से आप नहा रहे हैं, आपके हाथ पैर अच्छे से भीग चुके हैं, जो आपकी डेड स्किन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी होगी। तो अब आपने क्या करना है, जब आप नहा चुके हों आखिरी के 5 मिनट आपने अपने हाथों को और पैरों को देने हैं। आपने क्या करना है, कोई भी बॉडी शावर या शैम्पू अपने पैरों पे अपने हाथों पे अप्लाई कीजिए, और अच्छे से झावा, इसे झावा ही कहते हैं ना, हम तो भाई झावा कहते हैं, इससे आपने अपने पैरों को अच्छे से क्लीन करना है। जो भी डेड स्किन होगी वो निकल जाएगी, जो भी गंदगी मैल कुचैल होगी आपके पैरों पे वो निकल जाएगी। अपने हाथों को आराम आराम से आप स्क्रबिंग करें, आराम आराम से आप मसाज करें, अपने अपने जो आपके नाखून हैं उन्हें अच्छे से साफ करें, और अपने हाथों को बिल्कुल क्लीन कर लें। इसी तरह अपने पैरों को बिल्कुल क्लीन कर लें। आपका सबसे अहम और सबसे पहला स्टेप यहीं पर हो गया। आप अच्छे से आपने नहा लिया, आपके हाथ पैर अच्छे से आपने साफ कर लिए। ऐसे भी सर्दियां हैं तो हर बंदा धूप में बैठता है, आपने नहा के धूप में आ जाना है, और अच्छे से धूप से किए विटामिन डी भरपूर मिकदार में लीजिए। और अब आपने करना है दूसरा स्टेप, अपने पैरों को अच्छे से खुश कीजिए, और कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपको पसंद है आप वो अप्लाई कीजिए, पर मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि आप कोई ऑयल अप्लाई कीजिए। आप यहाँ पर अगर बादाम का ऑयल लगाते हैं तो आपके पैर बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। अगर बादाम का ऑयल पसंद नहीं है, नारियल ऑयल लगा लीजिए। नारियल ऑयल पसंद नहीं है, पेट्रोलियम जेली अच्छे से भर भर के अपने पैरों पे लगाइए और मसाज कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन खुश्क हो रखी है हाथों की या पैरों की, उससे वो जज्ब हो जाएगी, और जो भी मॉइस्चर चाहिए आपकी स्किन को, हाथों पैरों को, वो मिलेगा। और उसके बाद आपने सॉक्स पहन लेनी है, और आपका यहाँ पर मैनीक्योर पेडीक्योर कम्प्लीट है। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही स्टेप करती हूँ और मेरे हाथ पैर बिल्कुल साफ क्लीन होते हैं। किसी तरह की कोई भी झुर्रियाँ नहीं है हाथों पे, किसी तरह की कोई डिस्कलेशन नहीं है, किसी तरह के कोई दाग धब्बे नहीं है, बिल्कुल साफ शफाफ हैंड एंड फुट हैं। तो फ्रेंड्स, ये था बहुत ही सिंपल आजमूदा और कार आमद तरीका जो मैं
खुद अप्लाई करती हूँ वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे अप्लाई करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके हाथ पैर बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपके पैर ऑलरेडी फट चुके हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और अपने पैरों को आपने कैसे ठीक करना है इसकी रेमेडी भी मैं डाल चुकी हूँ, अगर नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, ज़रूर विजिट कीजिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसी तरह की और सिंपल सी रेमेडी के साथ आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।